जी सर, देखिए इस तरह से एजेंसियों की एक रिपोर्ट आई है कि आपको थ्रेट्स मिली है, तो किन का आपको क्या लगता है कि क्यों आपको इस तरह की थ्रेट यहाँ पे मिली है? देखिए ये बौखलाहट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से हम जम्मू कश्मीर में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उस फंडामेंटलिज्म को हमने डिफ़ीट किया है, जिस तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है उन्हें हमने डिफ़ीट किया है, और ग्राउंड पर रह के कोर्ट्स में जाके जिस तरीके से हमने इनको हराया है, मुझे लगता है कि उसी की बौखलाहट है कि इस तरीके की प्लानिंग ये कर रहे थे, और पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये इनपुट्स गैदर की गई हैं अपने एसेट्स को इस्तेमाल करके कि हम पे हमला करने का हिजबुल मुजाहिदीन ने प्लान किया है, और हमें एजेंसीज के मतलब इन कम्युनिकेशंस में ये भी लिखा है कि उन्होंने रैकी की है हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेके, जो भी तरह तरह की डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी की हैं। इस दिशा में हमें लगता है कि सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हमारा जो जम्मू के इंटरेस्ट में काम करना, जम्मू कश्मीर में रह के देश के इंटरेस्ट में काम करना, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना, वो जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। इनफैक्ट डबल एनर्जी से हम ये काम करेंगे, और इनको बौखलाहट हुई है, ये सही बौखलाहट है, ये देश के दुश्मन है, देश के दुश्मनों को बौखलाहट होनी भी चाहिए।